दोस्तों नमस्ते, जयंत कोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई। फिलहाल हूँ पुणे में, ठीक है। वीडियो लाया हूँ बहुत खास, मैं भी जिसका इंतज़ार कर रहा था, और इंडिया में बेहतरीन मशीन होने वाला है, ठीक है ना। कुछ कुछ बातें हैं जो मैंने सिंप्लेक्स में नहीं बताई थी, सिंप्लेक्स को वहाँ पे यूज़ नहीं करता था, वो सब अब यहाँ पे होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया मशीन, डोक्टा मैक्रो लीजेंड, साइमल्टेनियस मल्टी फ्रिक्वेंसी और बहुत कुछ अभी दिखेंगे अनबॉक्सिंग में। अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, इसका बॉक्स खोल रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। रात को कल पार्सल आया, उसके पहले मैंने एक इंट्रोड्यूसिंग कराना था कमिंग सून करके, ठीक है ना। और रात को लगभग 11-12 बजे तक बैठा था, उसके बाद मैं वापस 3:30-4 बजे उठ के इसके बारे में स्टडी कर रहा था। यहीं पर बाहर था, रात को बैठ के देख रहा था, पढ़ रहा था क्या क्या है क्या क्या नहीं इसमें, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं पहले क्या क्या है। थोड़ा बैठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ और अभी ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। आपको दिखता होगा क्योंकि कैमरामैन भी मैं हूँ, जो जितना दिखता होगा उतना एडजस्ट करो। द लीजेंड चेंजिंग द गेम फॉर मल्टी फ्रिक्वेंसी। अब चेंजिंग द गेम फॉर मल्टी फ्रिक्वेंसी, अब इसका क्या मतलब हुआ? मल्टी फ्रिक्वेंसी में गैरेट का एस अपेक्स आता है, इक्विनॉक्स 600 है, इक्विनॉक्स 800 है, उसके बाद में अभी ड्यूस 2 निकला है, एक्सपीड्यूस का 2 निकला है, और ये भी लॉन्च हो गया लीजेंड। नोक्टा मैक्रो का है ये, सिंप्लेक्स सेम सिंप्लेक्स जैसा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ दिया गया है। इसमें ऐसा कुछ दिया गया है कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि रात को मैंने मेरे ख्याल से कल रात को एक अपडेट देखा इसका, जो अपडेट मैं जो बोलता था गैरेट का 80 मैक्स में वो सबसे बढ़िया फीचर है, वो इसमें आ रहा है। 3 दिन में कंपनी अपडेट दे रही है, वो लैपटॉप में डाल के हमको करने का है, ठीक है। तो अभी दिल थाम के बैठो और सुनो, बातें सुनो क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। देखो ये इसका डिस्प्ले है, IP68 है, 10 फिट तक वाटर प्रूफ है, चलो कोई बड़ी बात नहीं, 3 मीटर 10 फिट। वाटर प्रूफ DD सर्च कॉइल, चलो ये भी ठीक है। 11 इंची कॉइल है, सिंप्लेक्स जैसा है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी इससे ये कार्बन शाफ्ट है इसमें, ठीक है ना, वो एक बेहतरीन चीज़ दी है। एडवांस डिस्क्रिमिनेशन, चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि है वैसा कुछ फीचर्स देखे मैंने। नॉइज़ कैंसिलेशन एंड फ्रिक्वेंसी शिफ्ट, वो तो होना ही चाहिए, नॉइज़ कैंसिलेशन तो आता ही है। रिकवरी स्पीड सेटिंग, ये सिंप्लेक्स में नहीं आता था, इसमें रिकवरी स्पीड आती है, तो इसका मतलब है कि ये हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर के या नज़दीक के ऑब्जेक्ट का रिजल्ट के लिए ये हमको बहुत काम में आता है। चलो इसके बाद में प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी 60 टारगेट IDs एंड हार्मोनिक टोन्स, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, मैंने थोड़ा सा स्टार्ट करके देखा था। एडजस्टेबल थ्रेशोल्ड है, फॉर कस्टम यूजर प्रोफाइल है, इजी ऑपरेशन, वाइब्रेशन, बैकलाइट, LCD ठीक है, लाइट वेट, लॉन्ग बैटरी लाइफ, ऑनलाइन फर्मवेयर अपडेट, चलो ओके। ब्लूटूथ हेडफोन भी आता है इसमें, क्वालकॉम एप्टेक्स लो लेटेंसी, मतलब इतना फास्ट वो जैसे ही कोई सिग्नल आता है तो उतना फास्ट ऊपर आता है, ठीक है ना, उस टाइप से बना हुआ है। ये रहा, दिखता होगा आपको, मैं देखता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी इस तरह से काम करेंगे ताकि मैं भी देख पाऊँ और आप लोग भी देख पाओ। ये इसका मैनुअल है, बहुत बढ़िया मैनुअल है, और बहुत, ये देखो डिस्प्ले देख के ही सेक्सी डिस्प्ले है ना, तो मैं बोलता हूँ हमेशा इस पर ध्यान रखो, R&D ऑथोराइज R&D सेंटर, ये जो चुना वाली कंपनी थी ना, फैक्ट्री थी ना चुना वाली, इंडिया मेड इन इंडिया, इधर उधर इधर उससे बातें करती है, उनके लिए ये थप्पा है उनके ऊपर, एक क्या बोलते हैं उसको, तमाचा है उनके ऊपर, क्योंकि R&D सेंटर वाला होगा तो हमको तकलीफ नहीं होती, ठीक है। अभी इसके अंदर फंक्शंस क्या क्या है, ये सब इसमें दिया गया है। कंटेंट, उसको बोलेंगे कंटेंट, ये है लीजेंड, एक्चुअली ये 3D कॉपी इसका, समझो कि आप इस तरह से इसको ऑपरेटिंग सब कुछ दिया गया है, पूरा वाटरप्रूफ है, स्पीकर बढ़िया है, ये सब इसमें दिया गया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल। नोक्टा मैक्रो ने पहली बार जैसे अपडेट दिया वैसे ही सब कुछ निकाला भी है इसमें। सामने निकाल के दिखाता हूँ, हेडफोन बहुत ही सेक्सी है, सिंप्लेक्स के हेडफोन का बाप है, ये रहा हेडफोन सर, बहुत मजा है इसमें, बहुत मजा है, मतलब क्या है, वैसे भी देखो इसको माइंड लैब के ऊपर मात करना ही था ना, क्योंकि माइंड लैब पहले से चल रहा है, तो उसके ऊपर अगर कुछ अपना मार्केट में चलाना होगा तो उसको अच्छा कुछ लाना ही पड़ेगा, बहुत बेहतरीन है। अब मैं रात को एक आवाज़ सुना था इसमें, आपको भी सुनाता हूँ, आएगी हो सकता है, मैं बटन चालू करता हूँ, पावर ऑन, तो आपके असिस्टेंट के लिए एक
आपकी असिस्टेंस लड़की भी दी गई है इसमें, आवाज बात करती है, और यहाँ पे बटन है, ये है इसका वायरलेस हेडफोन, बहुत ज़बरदस्त है और मैं तो बोलता हूँ बहुत भारी काम कर दिया। और एक खुशखबरी इसमें है जो अब तक किसी भी कंपनी ने नहीं दी है, ठीक है ना। ये हम उसके डिस्प्ले निकालता हूँ मैं अभी, ये है उसका डिस्प्ले, लीजेंड नोक्टा मैक्रो लीजेंड, इंडिया में पहली बार गोल्ड डस्ट डिटेक्टर लेके आए हैं। फंक्शन का वीडियो बाद में लाऊंगा, बहुत कुछ फंक्शंस है इसमें, समझने पड़ेंगे, मुझे भी समझने पड़ेंगे प्रैक्टिकल चला के, उसके बाद में आपके लिए लाऊंगा। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें, लेकिन बटन्स कहाँ पे कौन से और कुछ अलग अलग बहुत कुछ दिया गया है, तो देखते हैं लीजेंड में क्या क्या है। और ये जो उसका स्क्रू है, दो स्क्रू आए हैं, और ये है चार्जेबल चार्जिंग का वायर है, सिंप्लेक्स जैसा ही है, ठीक है। ये है हेडफोन का चार्जर। अब हम जाते हैं कॉइल की तरफ। कॉइल से पहले मैं आपको एक खुशखबरी दूँ जो मैंने खोला नहीं, मैंने आप लोगों के लिए खोला नहीं। इसमें ना बैटरी दिया है बैकअप के लिए। इसके यहाँ पे लगता है दोस्तों, देखो यहाँ पे लगता है, वो यहाँ पे ये घुसता है और वहाँ से आप सप्लाई दे सकते हो ताकि आपका काम ना रुके। ये आज तक किसी भी मशीन में किसी भी कंपनी ने नहीं दिया है। चलो इसको फोड़ के देखते हैं। देखो को मैंने फोड़ दिया, कल ही फोड़ने वाला था लेकिन मैं बोला अनबॉक्सिंग में देखेंगे, मैं भी देखूंगा और आप लोग भी देखोगे। ये देखो इस तरह से है, इसमें से आगे जाएगा, ये ऐसे नहीं है, ऐसे ही होना तो ऐसे ही चाहिए बराबर ही। खैर देखते हैं क्या चीज़ है इसमें, चलो खैर देखते हैं, मैं भी देखूंगा। हम ऐसे डीलर नहीं है कि ये ऐसा ऐसा ऐसा, हम भी आपके साथ सीखते हैं, फिर आपको भी समझाते हैं, नए लोगों को भी समझाते हैं। अब बड़ी खुशखबरी ऐसी है, ये है प्रो पैक। अब प्रो पैक में आता है 11 इंची कॉइल, डीडी कॉइल 11 इंची, ठीक है ना, बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। इसमें 4 kW भी है, याद रखना 4 kW ज़्यादा डेप्थ के लिए है, ठीक है ना। ये इसका कॉइल है और एक छोटा, छोटे छोटे गोल्ड की चीज़ें या फिर नगेट के लिए। देखो ये चीज़ें प्रो पैक अगर लेना है आपको, मुझे अभी मेरा एक बॉम्बे का कोई बंदा है, मेरे ख्याल से कल्याण का कोई बंदा है, वो मेरे से कॉन्टैक्ट में था, वो भी ये वीडियो देखेंगे, वो मुझे बोले मुझे छोटे चीज़ की नगेट की ज़रूरत नहीं, तो फिर आप 40 kW में क्यों जा रहे हो। इसमें कैसा है 5, 10, 15, 20 और 40 kW, तो 20 और 40 kW अगर आपको लेना है तो आपको बड़ी कॉइल की मतलब उसमें ज़रूरत नहीं होती, वो तो ज़्यादा डेप्थ के लिए रहता है, लेकिन ये जब 20 और 40 kW आती है तो इसकी ज़रूरत होती है। तो प्रो पैक लेना है और एक बार लेना है और आराम से काम करना। बड़ा भी कॉइल आएगा इसका कंपनी का, तो इतना सब कुछ आया है इसमें हेडफोन का, ये है इतना सब कुछ आया है। खुशी की बात है कि ये सब कंपनी ने हमारे लिए सोचा है, चलो कोई तो कंपनी हमारे बारे में सोचती है सब, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगा सब देख के समझ के सुन के। और ये रहा डिस्प्ले, आपको एक थोड़ा सा ऑन करके दिखा देता हूँ मैं, आपके आपको भी अच्छा लगेगा कि हमने डिस्प्ले ऑन करके तो देखा। तो ये इंडिया में पहली बार, इसके लिए ढकोसलों से दूर रहो, चालू लोगों से बाजू में रहो, और अपना सक्सेस पाने के लिए ब्रांड ले लो ताकि काम करते करते बीच में रुकावट ना आए। सॉरी ये ऐसा होगा थोड़ा बहुत, हाँ ये मैं ऐसा करता हूँ, एडजस्ट करना दोस्तों, वीडियो तो आते रहेंगे, जितना भी है मैं आपको दिखा पा रहा हूँ दिखा रहा हूँ। मैं एक्चुअली वेकेशन के लिए आया हूँ, थक जाता हूँ, थोड़ा आराम करना है, घूमना फिरना, फिर भी यहाँ पे लोग बार बार कोई मिलने को आ रहा है, कोई लेने को आ रहा है। वो पुसद का वीडियो डाला अभी मैंने, महाराष्ट्र का, बहुत लोग आ रहे, कोई बेलगांव से आया था, कोई धारवाड़ से आया था, कंटिन्यूस कोई हुबली हवेरी बागलकोट कंटिन्यूस चालू है। साउथ के लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि मैं बहुत नज़दीक हूँ, अभी पूना साइड में हूँ, मैं सतारा में हूँ। मैं इसको भी ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ, नीचे स्टील रहेगा लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है रिस्पॉन्स। डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, लेजेंड LD मतलब लेजेंड, नोक्टा मैक्रो लेजेंड। अभी मैं पहला चीज़ क्या करूँगा, सेंसिटिविटी कम करेंगे, देखो कम करेंगे क्योंकि हम है अभी
एक छोटा सा आपको आवाज़ भी सुना लूँगा, A6F मतलब इसमें लोहा ऑफ, ये मोड अभी आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होगा कि अरे हमको बताया नहीं, हमको देखने को नहीं मिला। इसमें स्पेशली गोल्ड मोड दिया है, स्पेशली गोल्ड मोड दिया है जो नगेट के लिए होगा, ठीक है। पार्क फील्ड बीच, तीन मोड, और इसमें दो डंडी दी है, एक डेप्थ वाला है, इसका अभी डेप्थ वाला दिखा रहा है क्योंकि स्लैब के ऊपर मैंने रखा हुआ है। पिन पॉइंट बटन है, पिन पॉइंट में देखो आपको दिखेगा, अभी नहीं हो रहा है। हाँ अच्छा, आवाज बहुत सुहानी है इसकी, आप देख पाओगे। मैंने सेंसिटिविटी कम किया ना इसके लिए, वो थोड़ा नजदीक से पकड़ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको सेंसिटिविटी बढ़ा के दिखाऊंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा, देखो कैसे बढ़ रही है ऑटोमेटिक। ये सब चक्कर इसमें बहुत बढ़िया से दिया है, ठीक है। 30 तक सेंसिटिविटी, रुको। हाँ अभी रुको, ये अपडेट हो रहा, मतलब ये हो रहा है उसमें, फैक्ट्री रीसेट हो रहा है। ये एक्चुअल क्या हो रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ, ये है कील और ये देखो, ये बार बार आ रहा जा रहा है, तो नीचे जो स्टील है उसके कारण वैसे दिखा रहा है, पूरा स्लैब के ऊपर रखा हुआ है ना, ये देखो अभी बराबर ऑपरेट हो रहा है, लेकिन मुझे डिस्प्ले नीचे रखना पड़ेगा। आवाज तो बहुत धांसू आवाज है इसकी, लोहे की आवाज तुरंत समझ में आएगा लोहा। अब अपन मेन काम लेते हैं, बाकी सब नहीं। फोर किलो हर्ट्स, 10 किलो हर्ट्स, 15 किलो हर्ट्स, 20 किलो हर्ट्स नगेट के लिए, 40 किलो हर्ट्स, M1, M2, और कल जैसे कि रात में मैंने देखा M3 करके इनका और एक आ रहा है, अपडेट में आएगा। तो ये बहुत सोचती है कंपनी अपने के लिए। अब मुझे पहला काम क्या करना होगा, मुझे इसका सेंसिटिविटी कम करना पड़ेगा, नहीं तो हमको दिक्कत आएगा घर में, ऑफिस में इस तरह से मशीन ज़्यादा देर ऑपरेट नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मैंने जो देखा है इनिशियल में, इसमें आपको अगर लोहे की टोन रहेगी तो इस तरफ आएगी, और हाई टोन मतलब जो हार्ड कंडक्टिव रहेगा गोल्ड और बाकी सबकी, इस तरफ आएगी। तो इसमें बहुत कुछ आसानी से दिया गया है अपने आपको, कंपनी ने बहुत सवारा है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोन आते, पहले ऊपर में आता था ना सिंप्लेक्स में, वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक टोन आते हैं। वही हम अगर कोई लोहे की चीज़ घुमाएंगे, अब लोहा कैसे, लोहा मैंने बंद रखा है इसमें, देखो आपको दिखेगा फेरस पूरा बंद हो गया। ए में देखते लोहे की आवाज़, मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। पीछे टॉर्च लाइट है, इसमें सब कुछ दिया गया है, बैकअप दिया गया है, हेडफोन दिया है। अब ये मैंने मेरे लिए रखा है, और इसमें आगे और रिसर्च करेंगे। मैंने कुछ वीडियो देखे बाहर देश के, डिटेक्टिंग NYC करके आते हैं, उसके देखता हूँ मैं, गिग मास्टर के देखता हूँ, तो वो लोग को भी अच्छा लगा, उनको भी, और डेप्थ में भी अच्छा लगा मुझे मशीन। और बाकी साइमल्टेनियस मल्टी फ्रिक्वेंसी से वाटरप्रूफ होने के बावजूद सस्ता है, ऊपर से वो कॉइल जो है, क्योंकि मैंने मेरे लिए जब छोटी कॉइल मंगाई थी दूसरी कंपनी, बहुत महंगी पड़ी थी, मुझे ही महंगी पड़ी थी, मैं बेचू क्या उसको, तो मैंने अपने लिए रख दिया था। तो ये सब बहुत सस्ते में आया है, अगर ये लेना है आपको तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। ये मिनरलाइज, मैग्नेटाइज, सॉल्ट वाटर, अभी मिनरलाइज तो ठीक है, मैग्नेटाइज मतलब क्या, जिसमें जिस जमीन में चुंबकत्व होता है, जहाँ पे मशीन भूत जैसा आवाज़ करती है या फिर डाउन होती है, बैटरी डाउन होती है, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं दोस्तों जो मैं जानता हूँ, और मैं अपने कस्टमर से बात करते करते बताता हूँ, कभी मौका मिला तो आपको भी बताऊँगा। अगर मशीन लेना है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, या फिर कुरियर से मिल सकता है, कैश ऑन डिलीवरी, दिल्ली में मेरा ऑफिस है, और बहुत सारा नॉलेज है हमको, हमारे बहुत सक्सेसफुल कस्टमर है, हमको कोई इंस्टाग्राम में जाने की कोई इच्छा नहीं है, ताकि हम किसी को ज़्यादा ओपन नहीं, छोटी मोटी चीज़ें हम भरे दिखा देते, सक्सेस स्टोरी छोटी मोटी डालते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं
किसी को सामने उजागर करना, बेचारे का किसी का किस्मत खुला है एक टाइम पे, बस लीगली काम करना है, कानूनन काम करना है, हम कानून के विरोध में काम करने के लिए कभी किसी को प्रोत्साहित नहीं करते। ये है, ठीक है, ये है मोड M1 M2। अब हम इसमें जाएंगे तो इसमें 40 kHz या फिर मल्टी फ्रिक्वेंसी, देखो डायरेक्ट है मल्टी फ्रिक्वेंसी लग गया इसमें बराबर। आप इसमें गोल्ड मोड में फेरस ऑफ कर दिया, आप नॉच भी कर सकते हो, वो सब सारी बातें आपको बता देंगे। इसमें ऐसे करके भी कुछ, ऐसा करके भी कुछ है MD 4 1 M1 MD, तो ऐसे अलग अलग है, देखते हैं आगे, मैं भी समझूंगा इसको। लेकिन बहुत बढ़िया मशीन है, मुझे बहुत अच्छी लगी मशीन। आप भी बाकी भी रिव्यू देखना, मेरे बोलने पर मत जाना। और सही में वाकई में इंडिया के हर मट्टी में, देखो मेरी एक बात सुनो, मैंने सिंप्लेक्स को मैंने कभी भी समुंदर पे नहीं दिखाया, ना ही मैंने किसी समुंदर पे चलाने वाले को सिंप्लेक्स बेची। ये है मेरे सच्चाई का सबूत। मेरे लगभग 200 वीडियो है दोस्तों, मेरे लगभग 200 वीडियो है। मैं पहले इसको ऑफ करता हूँ, इसको चालू रखना अच्छी बात नहीं, ऑफ कर दिया क्योंकि मशीन ज़्यादातर घर में नहीं चालू रहनी चाहिए। मैं अभी मेहमान हूँ यहीं पर, और यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, मैं यहाँ पास ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। सिंप्लेक्स को मैंने मेरे 200 वीडियो में, मेरे सिंप्लेक्स के 100 वीडियो तो रहेंगे सिंप्लेक्स के ट्रेनिंग के, इतना तजुर्बा है उसके बारे में, नोक्टा मैक्रो के बारे में। और इसमें अभी जो फीचर्स आने वाला है, पहले अपना वो बात पूरा करते हैं, तो मैंने समुंदर का एक भी वीडियो दोस्तों नहीं बनाया। मैंने सिंप्लेक्स कहीं से भेजा था तो मैंने वापस मंगा लिया था सिंप्लेक्स, मैंने दूसरा दिया था वहाँ पर। ये है मेरे ईमानदारी के सबूत, जो मैंने सिंप्लेक्स का समुंदर का आज तक एक भी वीडियो नहीं डाला। मैंने कभी मशीन किसी के गले नहीं मारी, उससे बात किया, समझा, सब किया। उसके बाद में अगर किसी को प्रॉब्लम आया होगा तो उसने मुझे बताते हुए कुछ गलत हुआ रहेगा या फिर उसका ऑपरेटिंग में गलत रहेगा, तो ही मेरा मशीन लद्दाख तक गया है, एक्सपीड्यूस मैंने लद्दाख में बेचा है। तो लोग भरोसे से काम करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं भरोसे से काम करूँगा तो मेरा इसमें मेरा ये स्वार्थ है कि मेरा दूर तक काम चलते रहेगा बिना टेंशन के। आप लोग भरोसा रखोगे, काम करोगे, चलते रहेगा। झूठ बोलूँगा तो वो हट गया, झूठ दूसरे से बोलूँगा हट गया, तो ये नहीं होता। दूसरी बात, दिल्ली से मशीन लेने वालों, सस्ता है उधर महंगा, उधर सस्ता है आपका महंगा, ये है वो है जो बोलने वाले, आप बहुत दूर रहते हो, ठीक है, उनका आप कुछ भी उखाड़ नहीं सकते हो। मशीनें कुछ रिटर्न आती है। अब कोई मशीन लेके गया सिंप्लेक्स दिल्ली से, किसी दूसरे डीलर के पास से लेके गया सिंप्लेक्स, अब उसको बड़ी मशीन लेनी है। अब बड़ी मशीन लेनी है तो बोलेगा सर 2-3 दिन हुआ, मैं आ रहा हूँ वापस, मुझे पैसा अभी 50,000 का मशीन है, 1,00,000 रुपये का मशीन ले लो, दे दो मुझे, और ये ले लो रिटर्न। तो उसको तो क्या प्रॉफिट ही मिल रहा, तो क्यों नहीं करेगा। तो आपको जो मशीन आ रही है बाकी इंडिया से कहीं से भी अगर मशीन आ रही है और वो सस्ती है, तो सस्ती के पीछे फिर हम सस्ती क्यों नहीं दे पा रहे, तो इसकी वजह है कुछ। मेरे पास लिमिटेड और सब क्लियर कट फ्रेश स्टॉक रहता है, चेकिंग करता हूँ हर मशीन की, देखता हूँ, चला के देखता हूँ, ऑपरेटिंग देखता हूँ, खोल के देखता हूँ, सब टेक चेक करके भेजता हूँ। इसके लिए दिक्कतें कम आती है। ट्रेनिंग सपोर्ट पूरा है, जो दिल्ली से नहीं मिलेगा, बाकी जगह से नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोलेंगे भाई कितना सपोर्ट किया, कितना, 6-6 महीने तक आज भी लोग दोस्त हैं मेरे। प्रॉब्लम आता है, क्या होता है, किसी को सक्सेस मिले डालते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो सस्ता और महंगे का ये है, एक तो ट्रेनिंग सपोर्ट, ऊपर से माल आपको क्या मिल रहा है, क्या बहुत डुप्लीकेट आ रहा है चाइना का, तो उनको कुछ पड़े नहीं क्योंकि वो मेन हब मार्केट में पड़े हैं। वो जाता है बंदा तो खींचा चला जाता है वहाँ पे, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास सब जेन्यून है, सामान जेन्यून है, अपना जो सीरियल नंबर है चेक करो, सब कुछ करो। और वैसे भी बाकी रिव्यू तो आते हैं, कमेंट में जाके देखो, गिव अवे जा रहा है। आप में से किसी को भी कोई भी मशीन लेगा उसको कुछ भी गिफ्ट जा सकता है, तो वो एक्स्ट्रा बेहतरीन फायदे है आपको। ट्रेनिंग 6-6 महीना, साल साल भर लाल ऐसे पागल जैसे घूमोगे, उससे तो ये अच्छा है ना कि समझदारी वाले पास से मशीन खरीदो। तो इसके लिए हमारे महाराष्ट्र के लोग तो आ ही रहे, कंटिन्यूस आ रहे, मेरे यहाँ पे भी आ रहे, राजस्थान के लोग आ रहे, गुजरात के लोगों के कंटिन्यूस कॉल चल रहे, मशीनें जा रही, दिल्ली ऑफिस से मशीनें जा रही है। तो समझ के काम करो, 1.5 करोड़ का स्टॉक दिल्ली ऑफिस में पड़ा होता है, जो वहाँ के नॉर्थ के लोग हैं वहाँ पर जाओ देखो समझो, ठीक है ना। ज़्यादा बात नहीं करता, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है अपने को। मैं अभी इसको सब चलाऊंगा, सीखूंगा, समझूंगा, ठीक है ना। मैं माके पेट से सीख के नहीं आया, इसके लिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। बाकी डीलर तो क्या है, वो कोई चांद से गिरा है, कोई कहाँ से गिरा है, तो उसका ऐसा, अपना वैसा नहीं। अपने को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि जवाब देने ना अपने कस्टमर को, मशीन लेने के बाद बोलेगा सर इसका क्या, अरे भाई ये करो वो करो, नॉर्मल इनिशियल दिखा देने का, समझा देने का। 50,000 से ऊपर की मशीन के बारे में थोड़ा सा समझाना जरूरी है। छोटी मशीन में तो आप कैसे भी सीख सकते हो, उसमें ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं होते। 1,00,000 रुपये के ऊपर हाँ हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसको समझाना, रिप्लाई देना, सिखाना। कुछ प्रॉब्लम आया वीडियो बनाओ भेजो,
लेकिन सिर्फ मेरे कस्टमर के लिए, बाकी कस्टमर के लिए नहीं। मैं अपना पेट भरूंगा, अपने बीवी बच्चों का पेट भरना है, तो मेरे कस्टमर को कोई खैरात वाला काम नहीं, ठीक है। यहाँ पे हूँ, रेंट का काम बंद कर दिया, रेंट में मुझे नुकसान हो रहा है बार बार, मशीनें डैमेज होके आती है, बाद में मालूम पड़ता है। मैं सोचता था भलाई करता था और रेंट के लिए नई मशीन ही जाती थी मेरे पास से, पुराना कोई मशीन रेंट पे नहीं देता था। नई मशीन दे दो, फिर वो जो भी रेंट है वो कम करके, जितना रेंट है वो माइनस कर लिया, और उसी अमाउंट में फिर वो दूसरे को मशीन, गरीब किसी को जरूरत रहती मशीन की, हमारा इतना बजट है हमको ये मशीन चाहिए, तो उसको करता था। लेकिन अब भराई का काम बंद, क्लियर काम काम आपको मशीन लेना है, कर्जा नहीं करना है। कल पुणे गया था, लोग कर्जा करने को देखते हैं, डर लगता है। मैंने नहीं दिया, मैंने टाल दिया उसको, दो बार मिले मेरे को वो लोग, मैंने टाल दिया उनको, ठीक है ना। कोई कोई आदमी क्या बोलता है कि सर इतना पैसा अभी देते हैं, बाकी पैसा बाद में। आपका भाई, सगा भाई आपको पैसा देगा ऐसा? नहीं देता है ना, किसी का देता होगा, ये बात नहीं, मैं ऑप्शनल बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहाँ से कौन हूँ। और आप ऐसे लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं, सर अभी 10,000 देता हूँ, बाकी पैसा बाद में दूंगा। ये क्या हिसाब होता है, कुछ समझ, या तो फिर वो मुझे कुछ समझते हैं, या फिर वो खुद कुछ है। तो ऐसा कैसा, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बस चोख बिजनेस कर रहा हूँ, क्लियर कट टाइटल, क्लियर कट, कर्जा करने वाला नहीं आना, ठीक है। अचानक रात को ढूंढ के मिलने वाला नहीं आना, सोच समझ के आना, चोरी चकारी वाला नहीं, कायदे से उल्लंघन, कायदे का उल्लंघन करने वाला आदमी नहीं आना। ईमानदारी से काम करना, नियम से काम करना है, कुदरत भी देखती है, निसर्ग का नियम भी काम करता है आपके लिए, आपको भी नेक रहना पड़ेगा। चोरी चकारी वाले काम नहीं होने, ना होने, ना करने, देश के विरोध वाला काम नहीं करना है हमको, ठीक है। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, अगला वीडियो लाएंगे अपन, ठीक है दोस्तों, बाय।